नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं का हाल है, और का हाल है में आज का मुद्दा है वो है बीएड डीएड डिग्रीधारी जो हैं, छात्र कहें या बेरोज़गार कहें या अभ्यर्थी कहें, जो चाहे आप कह लीजिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में इन दिनों 6 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि इस डिग्री के साथ इस इंतज़ार में हैं कि उन्हें रोज़गार कब मिलेगा। शिक्षक बनना चाहते थे, गुरुजी बनना चाहते थे, मास्टर बनना चाहते थे, लेकिन बहुतों का सपना जो है वो एक तरीके से अब टूटने की कगार पे है, क्योंकि साल डेढ़ साल में ये जो है उस पात्रता से बाहर हो जाएंगे जिस उम्मीद के साथ वो बीएड और डीएड कर चुके हैं। तो अभी आप बताइए कि फ़िलहाल मौजूदा स्थिति क्या है? अब मौजूदा स्थिति ऐसे है कि हमार मुखिया है, हमार कका है, घोषणा करे है अगस्त में 12,479 शिक्षक के भर्ती करूँगी के, और वो भर्ती के घोषणा करे आज अगस्त ले दिसंबर आ गए, लगभग 5 महीना पूर्ण हो गए हैं, और वो भर्ती कहीं आता पता नहीं है। और भर्ती पर जब बोलता है कि था तो अभी आरक्षण है, आरक्षण है। अरे भैया, जब आरक्षण के मामला है तो पीएससी कैसे निकाल दिस अपन भर्ती ला? जैसे पीएससी निकाल दिस बिना आरक्षण के, वैसे तहूँ निकाल दे भर्ती ला। ऐसे भी तुमन भर्ती निकालता हो 5 साल में पूरा करता हो। आप मन तो जानते हो 14,580 शिक्षक के भर्ती के घोषणा 2019 में हुई रही से, और आज ले वो भर्ती पूरा नहीं हुए है। तो इसने 12,479 भर्ती निकाला तो कम से कम पूरा करे में तो 5 साल लगे ही डर था तुमन। तो हमार मन के एक ठन मांग है कि भैया जिन घोषणा कट डरे हो तो कम से कम अपन नाम ला बचाए बर वो भर्ती के नोटिफिकेशन विज्ञापन ला जारी करो, ताकि बेरोजगार मन ला कम से कम पेपर देवाए के मौका मिले। नौकरी लगना नहीं लगना तो बात के बात है, कम से कम पेपर तो देवालन हमन। अभी का स्थिति, कतका बीएड डीएड डिग्री वाले हैं? अभी लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थी ऐसे है जिन मन डीएड और बीएड और टेट जिन शिक्षक पात्रता परीक्षा होते तेनोल पूरा करके बैठ गए हैं। ओकर अलावा बीएड और डीएड के अंतिम वर्ष में 22,000 जन हवाए जिन मन अभी भी अगोरम है कि जल्दी से जल्दी भर्ती में वहू मन शामिल हो गए। मतलब 6.5 लाख हमन जिन मन जेकर मन करे डिग्री ऑलरेडी है, और 22,000 जन अभी बैठे हैं जिन मतलब मार्च में मिल जाए डिग्री हो मनला। कितना जन है बाहर होए की स्थिति में है? लगभग 50,000 जन ऐसे है जेकर मन के उम्र है पूरा होवइए है, जिन मन है 40 साल कंप्लीट होने वाला है अभी 2023 लगी के बाद उम्र नहीं बन सका। 40 के बाद जनरल वाला मन नहीं बन सका है, और 45 के बाद ओबीसी वाला मन नहीं बन सका है। और 2023 तक काबर राज्य सरकार 5 साल के अतिरिक्त छूट दे रही से 2023 तक, लेकिन 2023 में अगर वो छूट ले नहीं दी तो ओबीसी वाला मन 40 साल में ख़त्म हो जाए और जनरल वाला मन 35 साल में सिरा जाए। तो मुद्दा बहुत गंभीर है। कब करे रहे हो आप? 2014-2016। कहाँ आप निवास कहाँ है आप? महासमुंद जिला। महासमुंद में जिन है का माहौल है शिक्षा के? महासमुंद में जो डाइट महासमुंद है वहाँ से मैं डीएड कर रहे हूँ। महासमुंद में शिक्षा के माहौल तो अभी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जैसे मैं डीएड कर रहे हूँ और प्राथमिक स्कूल में जिसमें मैंने पढ़ाया जात रहे प्रशिक्षण जमें ते में वहाँ मन वहाँ के माहौल देखन कि जो ग्रामीण स्कूल है आसपास के इलाका में, और महासमुंद जो प्रॉपर प्राइमरी स्कूल है और मिडिल स्कूल है वहाँ बिल्कुल एक और दो शिक्षक है, और बिल्कुल एक शिक्षक और दो शिक्षक के भरोसा में पूरा लड़का मन हाँ स्कूल के एती होती घूमत रहते, काकरो क्लास लगते काकरो क्लास नहीं लगे। तो एक लिए मोरी ये प्रार्थना है सरकार से कि जल्दी से जल्दी शिक्षक भर्ती पूरा हो, और जो शिक्षा के जो व्यवस्था है वो और अच्छा बने। शिक्षक की कमी है मतलब आपके इलाके में? जी जी जी। आप कब कर रहे हो? अभी 21 में कंप्लीट हुई से महोदय। कहा सोचे हो अभी लगी इसकी नहीं कि इतने ही बेरोजगार पहले से है तो फिर दूसरा कुछ करे जाए? मोर स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा रुचि रही से, और मैं बचपन से ही खेलकूद में ज़्यादा आगे बढ़े हूँ, तो ओकर वजह से मैं चाहत रही हूँ कि खेल में सबके विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, और खेल एक ऐसे माध्यम है, मनोरंजन माध्यम है जेकर से लड़का मन अपन सर्वांगीण विकास कर लेते, तो मैं स्पोर्ट टीचर बन के ही मतलब थोड़ा विकास करना चाहते हूँ शिक्षक के। तो अभी का स्थिति का उम्मीद है? उम्मीद बस यही है कि जल्द से जल्द निकल जाए पोस्ट, जितना जल्दी निकल ही ओकर से हम अपन तैयारी जो करे हैं और करत हैं हम आस में जो लगाए हैं वो हम अपन पा सकन। आप बीएड भी करे हो? बीएड भी करे? बीपीएड है मोर। बीपीएड जी। तो स्पोर्ट्स के भी जिन्हें नहीं आते पद नहीं आते जी। आप बताओ ये का है रजिस्टर में? इसमें नेम मेंशन किए हैं हम लोग, जितने लोग आए हैं जिला वाइज इसमें नेम मेंशन किए हैं, मोबाइल नंबर बनाए हैं जिससे कि जिला के कोई एक लीडर बनाया जाए और हर एक जिला को वो संभाल सके, उसमें लोगों को जोड़ सके, ताकि इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अभी
जागरूक तो हैं, लेकिन वो इस सब अभी जो यहाँ पर आंदोलन, ये आप लोग को नहीं लग रहा है कि सरकार कह रही है कि रोजगार तो सबको मिल रहा है और बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ जो है बेरोजगारी दर है ना सबसे कम है, मतलब बाकी राज्यों की तुलना में जो है, फिर भी आप लोग इतना हल्ला करते हैं कि कहीं पर रोजगार नहीं। कहीं ना कहीं ये जो हमें जो संख्या दिखाया गया है 0.1% जो है, वो संख्या किस बेस पे दिखाया गया है तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम आप देख लीजिए 6.5 लाख, जैसे कि हमारे दाऊद सर ने बताया कि 6.5 लाख लोग ऐसे हैं जो जिसके पास डीएड बीएड बीपीएड के जो जिनके पास डिग्री है, तो निश्चित रूप से ऐसे ही बहुत सारे और विभाग हैं जिनमें अभी भी बेरोजगारी दर है। तो ये किस बेस पे बनाया गया 0.1%, ये गाँव में तो दिखता होगा ना रोजगार है करके। गाँव में रोजगार किस बेस पे देखा जाए आपको, क्या गोबर बिनने वाले जा रहे हैं उसी को रोजगार के मुद्दा पे लिया गया है, या जो रोजगार गारंटी में काम करने जा रहे हैं उसको रोजगार के बेस पे शामिल किया गया है? अगर ऐसा है तो हम लोग तो उस बेस पे नहीं आते, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने के बाद अगर ऐसा काम हम करें तो कैसे उस बेरोजगारी दर में हमें कैसे रोजगार मिल पाएगा, कैसे से हम अपने जीवन को आने वाले पीढ़ी को कैसे अच्छे से चला पाएंगे? मसला गंभीर है। और आप क्या करते हैं? मेरा नाम आर्यन डहरिया है, मैं 2017-19 में बीपीएड कंप्लीट किया हूँ नेताजी कॉलेज से। 2017-19 में तो मेरा एक ही प्रार्थना है आदरणीय भूपेश काका जी से कि हम बीपीएड योग्यताधारी जो है उसमें सर जी ने मतलब एक घोषणा किया था कि 1440 स्पोर्ट टीचर का भर्ती करेंगे, तो वो 1440 जी, ये कब घोषणा कब? ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर जी ने मतलब घोषणा किया था, तो इसमें 12489 जो पोस्ट है उसमें हम सभी जो बीपीएड योग्यताधारी है उनकी उम्र भी निकलती जा रही है, तो उसमें 1440 जो पोस्ट है उसको इंक्लूड कर देगा, तो हम सब के ऊपर बड़ा आभारी होगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी सर का, क्योंकि भर्ती नहीं हुई, ये 2019 में हुआ था लेकिन इसका सिर्फ 740 पोस्ट निकाला था। लेकिन मैं यही प्रार्थना करता हूँ आदरणीय सर जी से कि जिस प्रकार राजस्थान में अधिक से अधिक स्पोर्ट टीचर का भर्ती किया गया था, उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में भी स्पोर्ट टीचर का भर्ती हो, ताकि खेल के स्तर को ऊँचा किया जा सके और हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी मेडल लाकर ओलंपिक में हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें, जिससे हमारा छत्तीसगढ़। तो सरकार तो कह रही नारा भी है, खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। जी ये तो कागजों में है सर, लेकिन ये सिर्फ कागजों में है सर, लेकिन मतलब वास्तविक रूप से मतलब नहीं है सर। मैं कुछ हद तक है सर, लेकिन वास्तविक रूप में आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों में स्पोर्ट टीचर की मतलब पद भरी गई है, मेरे को नहीं जानकारी। मतलब बहुत ही कम ऐसे स्कूलें हैं सर जिसमें स्पोर्ट टीचर की मतलब पद भरी गई है, स्पोर्ट टीचर मतलब है ही नहीं, बहुत ही कम मात्रा में है सर। तो और जितना भी हमारा प्राथमिक शाला से किस स्पोर्ट टीचर की नियुक्ति कहाँ से होती है? स्पोर्ट टीचर की नियुक्ति सर वर्ग 2 में होते है ना, शिक्षक के तौर पे होते, शारीरिक शिक्षक के तौर पे। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक के भर्ती हुए नहीं स्पोर्ट टीचर के, है ना, कम से कम स्कूल में हुआ है स्पोर्ट टीचर के भर्ती। अगर स्पोर्ट टीचर के भर्ती अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती सर स्कूल में, एक आंकड़ा बताओ कोई आसपास के जानकारी, मतलब कितने? अपने जिला का अगर बता दूंगा सर मैं, है ना, जिला का अगर बताऊँ ना तो हमारे जिला में 55 स्कूल है, तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 11 या 12 स्कूल में स्पोर्ट टीचर हैं, ओकर से जितना भी ज़्यादा स्कूल छूटे हैं ना ओमन में ना कोई भी स्कूल में स्पोर्ट स्थिति पूरा प्रदेश भर में। हाँ सर मैं ये मान सकता हूँ कि ऐसा स्थिति पूरा हो सकता है प्रदेश भर में, और मैं अपन जिला के आंकड़ा बताए हूँ। अगर स्पोर्ट टीचर की भर्ती अभी जल्दी से जल्दी कर दी सर, है ना, तो क्या है लड़का मन जितना अभी घूमते फिरते तो मान लो एक ठो रास्ता मिल जाए। ये राजीव मितान क्लब से कुछ फायदा नहीं होते? नहीं सर, ये जो हावे ना राजीव युवा मितान क्लब अभी चला थे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में, उनमें मैं स्वयं अध्यक्ष हूँ अपन पंचायत के, टेका पंचायत के अध्यक्ष हूँ, लेकिन उनमें क्या है सर एक कागजी कार्यवाही टाइप कैसे करते सब, है ना, और जितना भी कार्यक्रम है हमने तो अपन पंचायत स्तर में पूरा कार्यक्रम कराए हैं। कागजी कार्यवाही मतलब? कागजी कार्यवाही बोले से सर कार्यक्रम कम होते लेकिन दिखावा ज़्यादा होते ऐसे टाइप के, लेकिन मैं अपन पंचायत स्तर में पूरा कराए हूँ, है ना, जैसे अपन गांव ग्राम पंचायत। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ओखर से फायदा जिन्हें युवा मल्ल का है, मतलब फायदा है ना सर, एकर से भी फायदा है, जो भी जैसे कि पहली खेल नहीं पाए है स्पोर्ट में, उनमें भी 3 कैटेगरी हावे, 18 वर्ष से कम, 18 से 40। वो तो और अभी के लिए एक हो गया ओलंपिक खत्म, ओकर बाद फिर कोई गारंटी नहीं है सर, वो सिर्फ ना अपन अगर खुला बोलना चाहूँ मैं, हाँ तो अपन राजनीतिक मुद्दा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगन मल्ला इकट्ठा करे बार वो ऐसे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक करे है। और अभी जो हमार खेल युवा मंत्रालय जो हवे तो उनमें सिर्फ अगर ओलंपिक में देखा जाए तो 11 मेडल बस आए हैं, अगर वो मेडल ला बढ़ाना है तो स्पोर्ट टीचर की भर्ती बहुत ज़रूरी है सर।
स्पोर्ट टीचर नहीं हो ऐसे मतलब स्कूल में जिन गतिविधि वो तो हो गई है सर, मतलब पूरा अगर अनुशासन सिखाना है, शारीरिक शिक्षा सिखाना है, योगा सिखाना है तो स्पोर्ट टीचर करे ही, सब्जेक्टिव टीचर थोड़ी करे, वो तो 40 मिनट पढ़ा के अपन चल दिस अपन घर काय करी, बाकी सब काम रहा तो स्पोर्ट टीचर ही करना है ना सर। सपना कितना पूरा हुई? सपना तो कुछ पूरा नहीं हुआ सर, अभी तो चल ही रहा है, जो भी खिलाड़ी हुआ है अभी नेशनल गेम्स हुआ गुजरात में, उसमें छत्तीसगढ़ को सिर्फ 11 मेडल ही मिल पाया, पूरे छत्तीसगढ़ को 11 मेडल मिल पाया है। और हम लोग का ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक ओलंपिक से हमारे छत्तीसगढ़ से एक भी प्लेयर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किए ओलंपिक से। एक बेस होता है खिलाड़ियों के लिए, वो कहाँ से मिलेगा सर? वो बेस तैयार नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है स्कूल में। जब स्पोर्ट्स टीचर आएगा वही बेस तैयार कर पाएगा, दूसरा कोई नहीं तैयार कर पाएगा। जब तक बच्चे तैयार करेंगे कौन? स्पोर्ट कोच ही तैयार कर पाएंगे, व्यायाम शिक्षक ही तैयार कर पाएंगे, दूसरा सब्जेक्ट वाले नहीं कर पाएंगे। तो अगर देश को मेडल चाहिए, राज्य को मेडल चाहिए तो स्पोर्ट्स टीचर का भर्ती अनिवार्य है सर। और एक स्वस्थ छत्तीसगढ़ चाहिए तो आप हमारे काका कहा थे सीएम जी हाँ, खेलबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ ऐसे कही के, तो जब खेलबो गढ़बो कहा थे तो स्पोर्ट टीचर नहीं रही तो काला खेली सर, कौन खेला ही? स्पोर्ट टीचर ही तो सब सीखा ही लड़का मल्ला तमन तो बढ़िया खेलते हैं। नहीं नहीं, अनुशासन में रही के तो खेले बार हमारे व्यायाम शिक्षक सिखाई ना का कि आजकल के युवा वो खेले बार तो कोनो भी लड़का मन आजकल के गलत संगति में जावा थे, वो मन जैसे होते आजकल के लड़का मन बड़े होते कोई नशा पानी कराते, लेकिन हम इस व्यायाम शिक्षक में ऐसे केवल हम अपन अनुशासन में रख के हमन शिक्षा प्रदान करतन, तब जाके वो खेल के प्रति एक जुझारूपन दिखवाबो, तभी जाके हम उन्हें एक प्लेयर बनाबो, तब जाके वो कोई स्टेट से नेशनल, नेशनल से लेके ओलंपिक तक जाही। और हमन हमन स्पोर्ट टीचर मन नहीं रही तो कतरे हाल ले लड़का मन ला हमन प्रे कर पाबो, खेल के प्रति जागरूक कर पाबो। अब खेलबो गढ़बो तो बोला थे, लेकिन वही बात है भाई, जब तक स्पोर्ट खेलत कौन है तो ये बताओ, जिन्हें तक खेला थे सब जन लड़के ही मन खेला थे, लेकिन ना सर तो हमारे काका है ना हमारे जिंदगी के संग खेला थे, सीधी सी बात है, जो वादा करे रही से अपन है वादा करी 15 अगस्त के दिन, सरकार तो कहा थे हर वादा पूरा होते तो कहां करी से सर है? अभी जस्ट दे फिर आचार संहिता आ जाई फिर कहां हुई? हर वादा पूरा हो ही कहा था तो माननीय राहुल गांधी ही बोले रही से जब छत्तीसगढ़ आए रिश्ता चुनाव के समय कि छत्तीसगढ़ में 60,000 शिक्षक के पद खाली है और हमार सरकार आई थम 60,000 शिक्षक के भर्ती ला करके दिखा देबो की 14,000 कितना हो रही भर्ती? 14,580 के भर्ती अभी तक कम्प्लीट नहीं हुए है, नहीं हुए आज ले नहीं हुए है, 5 साल हो गया है और 12,000 के घोषणा करे तेनो अटके है। और आपे मन के चैनल के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम के इंटरव्यू ले रही से तो ओकर कर पूछे रही छत्तीसगढ़ में कतका शिक्षक के पद खाली है तो वही बता रही से 1,33,000 पद खाली है की के 1,33,000 शिक्षक के पद खाली है। अब ये मन की थे कि हमन नवा छत्तीसगढ़ गढ़बो, नवा छत्तीसगढ़ कैसे गढ़ू जब लड़का मन स्कूल में पढ़े बर जाही खाली भात ला खा का ही तो कैसे छत्तीसगढ़ के नवा भविष्य तुमन गढ़ सकू? जब तक स्कूल में गुरु जी नहीं रही लड़का मन ला सही शिक्षा नहीं मिली तब तक लड़का मन हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में कैसे अगुवाही? हर प्रदेश के हर देश के विकास में सबसे बड़े चीज हरे शिक्षा, अगर वहाँ की शिक्षा अच्छा है तो निश्चित तौर पे वह विकास कर ही और आगे बढ़ी देश में। वो तो ठीक बात है मैडम, कुछ काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, आप बताइए क्या क्या पढ़ाई की सबसे पहले बताइए। सर मैंने छत्तीसगढ़ कॉलेज है बैरन बाजार में, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद डिग्री ग्रेजुएशन का है मैं BA किया है आर्ट्स सब्जेक्ट में, और उसके बाद मैंने BPED किया है डिग्री गर्ल्स से, उसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है में फिजिकल एजुकेशन में, और अभी तक वैकेंसी आई नहीं है, हम लोग इंतज़ार में है कि वैकेंसी आए और हम लोग कभी जो हमारा सपना है वो हम पूरा कर सके। सारे जहां इतने लोग यहां पे इकट्ठा हुए हैं, सिर्फ जो भूपेश बघेल जी ने 15 अगस्त को जो भी वैकेंसी 12,079 पोस्ट जो भी था उसके बोला गया था, लेकिन अभी तक इसमें कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। आप लोग जब आते हैं पढ़ाई करते हैं मतलब उस दौरान क्या देखते हैं, मतलब किस क्षेत्र में जाना है ये तय किया जाता है, या फिर जो माहौल है जैसा है आप लोग उस समय देखते हैं कि रोज़गार किस में आने वाला है, या फिर तय कर लिया कि पढ़ाई कर लेंगे रोज़गार तो मिल ही जाएगा? नहीं ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, कोई सब्जेक्टिव टीचर है वो स्पोर्ट टीचर तो नहीं बन सकता, सबकी एक अपनी पर्सनालिटी होती है और कैपेसिटी होती है, वो अपना जो इस फील्ड में जाना है वो अपना चुनाव खुद करता है, वो ऐसा कोई पहले से बैकग्राउंड डिसाइड नहीं होता कि ये बैकग्राउंड अच्छा है और इसमें वैकेंसी आएगी हम इसकी पढ़ाई करके कम्प्लीट करके डिग्री पा के और जॉब पा ले, ऐसा नहीं होता है, वो अपनी जिस फील्ड में उसको जाना है उसकी जिसमें अगर वैकेंसी नहीं आई तो फिर क्या स्थिति बनेगी? जो फिजिकल एजुकेशन है जिसमें कह रहे हैं कि
सब कुछ अच्छा होगा, हमें जो है इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है। तो अगर इस तरह से नौकरियां, तो मेरे ख्याल से बता रहे हैं 2019 के बाद नहीं आई है, करके उसमें भी आई थी 700 कुछ पद के लिए, और उससे ज़्यादा अभी कहीं ज़्यादा बेरोज़गार होंगे। यस सर, बेरोज़गार हैं हम लोग, अभी भी घर में बस तैयारी कर रहे हैं, बस उसी के इंतज़ार में है कि कब वैकेंसी है और हम एग्ज़ाम दें। हमारी घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले तो कई सारी बातें भी सुनाते हैं कि आपने ऐसा सब्जेक्ट चुना है जिसमें वैकेंसी आने को है, अभी तक आई नहीं है, हम भी उसी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। घर वाले तो बोलेंगे ही, क्योंकि एज निकलती जा रही है, एज तो रुकती नहीं है कभी किसी। ऐसा कौन सा साथी है जो एक साल में जो है उम्र दराज हो जाएगा, पार हो जाएगा, कौन है? एक तो आप ही हैं क्या? बच्चा है आपके पास? 34 हो गया है, और अगर बच्चा है आपका अतिरिक्त छूट नहीं दिया तो 35 में खत्म हो गया। मैं खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अच्छा तुम बताओ, तुम हाँ जी काहे की पढ़ाई किया तुम? मैं डीएड हो है, 2018 में पास आउट हूँ, 2019 में जब वैकेंसी आई से तो 21 साल की उम्र रही, समय 4.5 महीना कम रही से, ऊपर से तुम नौकरी नहीं लग पाई से। तो मैं कहा था कि सरकार ला एक बार निवेदन करा था अमल जैसे उम्र कम रही से तो नौकरी नहीं लग पाई जी। हर बार की वैकेंसी आतरी से उम्र जिसकी खत्म होने वाली है अभी, है ना जी, हर बार की वैकेंसी आतरी से 18 साल लेवा से सरकार है, हर बार वैकेंसी आतरी से 18 साल लेवा से, एक बार 21 साल करी से, 21 साल करी से मोर उम्र 4.5 महीना कम हुई से, ओकर कारण मोला उम्मीदवार से हटा दी से, नौकरी लग गई से, सब चीज़ नाम नंबर सब चीज़ आ गई से, 4.5 महीना कम हुई ओकर कारण नौकरी से हटा देगी से मोला। जब ये सब विषय में मोला जानकारी हुई से तब बहुत देरी हो गई से, डीएड वगैरह सब चीज़ हो गए, सीटेट सब चीज़ क्लियर करके बैठे हों, यहाँ सब चीज़ एक एक बार में निकाले हैं, लेकिन अब हम सरकार से ही उम्मीद करत हन कि जो भी वैकेंसी आना है वोला जल्दी से जल्दी शुरू करें, ताकि हम भी पढ़ाई के अपन सपना ला पूरा कर सकन। ये बताओ, ये जिन युवा जिन गांव से निकलते वो उधर जब सपना टूटते तो फिर कैसे लग? सपना तभी टूटते, सब सपना टूट जाते तो ओकर पास कौन उपाय नहीं रहा है। बाप मन है, माँ बाप मन है, खेत में जाके मजदूरी करत है, और ओकर लड़का मन आके शहर में पढ़त है। उम्मीद रहते हो मन ला कि हमार लड़का हमार नाम ला रोशन करी, नाम ला रोशन करे पर हमन पढ़त हन लिखत हन सब वो चीज़ करत हन, वैकेंसी च नहीं आते है, नौकरी च नहीं निकालत हमार सरकार है। बोले नहीं कि खेती किसानी करो छोड़ो ये सब। खेती किसानी तो हमन का गोबर भी नहीं जाबो। ये उम्र दराज है क्या? जी है जी, उम्र दराज वाले हैं। शादी वादी हुई कि नहीं? हाँ हो गया है सर। अच्छा हो गया है जी। जी कितना बचा है अभी? अभी मेरा दो बेटी है। अच्छा नहीं नहीं, मतलब उम्र अभी, मतलब उम्र वो नौकरी नौकरी के हिसाब से ऐसे नहीं है, ऐसे तो अभी आप जियेंगे। 36 से चल रहा है सर अभी मेरा, 36 साल, 4 साल, इतने साल, 4 साल और है और है, ओबीसी कैटेगरी का हूँ। हाँ। और 4 साल और बचा है अभी, 6 महीने बाद तो आचार संहिता वाली स्थिति। हाँ हाँ हाँ, आचार में इधर 4 का खत्म हो, मतलब 4 साल बचा है सर, और इसी बीच में अब अब एक ठक भर्ती बचे सर मोर बार। अच्छा, अब मोरे जैसे जैसे अभी कम से कम 50-60 हज़ार अभी मतलब शिक्षक भाई मन है मोर। अभी क्या करते? अभी तो खेती बाड़ी करता हूँ। हाँ, खेती किसानी ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक है, का गुजारा हो जाते। हाँ। और बाकी जैसे जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति, जैसे अब हम जे पर्पस से हम पढ़े कि हम ले जाते हैं जिन्हें इतना पढ़ लिख के जिन्हें खेत जात हो, क्या बोलते घर वाले गांव वाले? अब का बोलते का सर, अब 2019 में तो मोर नाम आ गई से। हाँ। वेरिफिकेशन भी करा रहे हूँ। हाँ। और मतलब ज्वाइनिंग नहीं दे अभी 2019 वाले में, और भर्ती ला बंद कर दे है, बंद कर दे 19 वाले में। अभी 8 अगस्त तक मोर वेरिफिकेशन हुई से, ओकर बाद जैसे हम अब DPI जाता हूँ, या मैं अभी चौबे जी है, और जैसे जैसे मैं नेता के पास जाता हूँ, बोलते मतलब कि अब बैकलॉग लिस्ट में चला गया है, पोस्ट नहीं है, ऐसे ऐसे करके हम लोग को भगा देते हैं। आपन पूछे ना सर। हाँ। कि आपन अभी काम का करते हो ऐसे करके? मैं डीएड वाला हर हूँ, एमए इंग्लिश हो चुके हैं, अपन यकीन नहीं करूँ, काली जब मैं घर में रहे हूँ तो मोला कोपर चढ़े के मौका मिली से है। ये क्या होते? ये खेत हम मताते और मताए के बाद कोपर चढ़े लगते। हाँ। तो कोपर चढ़े पर एक जन लेठवा लागते है। हाँ। और लेठवा कन्हों नहीं मिली तो मोला ले गिरी से, काबर ते घर में ठेला बैठे हस, चल ते घर में ऐसे करे। हाँ, अगर मोला मौका मिलतीस, अगर मोला मौका मिलतीस तो मैं यहाँ आज पढ़ात रहते हूँ, कन्हों कर कन्हों लेकर कहते हूँ कि मतात रहते। हाँ, माटी नहीं मतात रहते हूँ, स्कूल में पढ़ात रहते। हाँ, और समस्या ये है सर, शिक्षक की कमी है, शिक्षक की कमी है, सरकार ने ध्यान नहीं है। शिक्षक की कमी है लेकिन सरकार के पास इच्छा शक्ति की कमी है। बनना चाहते हो शिक्षक, बन गए हो भिक्षक,
मांग देना चाहते हूँ शिक्षा, अब मांगत हूँ मैं भिक्षा, दे दो सरकार मोला, एक है तोर से गुहार मोला, बस अद की उन्नति करूँ मैं जय सर। हौसला बढ़ाता रहो सर, उम्मीद रखूँ उम्मीद करूँ कि हमार सरकार हमार मन के बात ला सुने और हमार ला जैसे रोजगार दे ताकि उम्मीदवार और भी बढ़े और उम्मीद जो है हमार मन के सपना जो है पूरा हो सके, बस अब की कहना चाहता हूँ सर मैं। और ये क्या लेके घूम रहे हो तुम? ये सर विज्ञापन है हमारा, विज्ञापन लेके आए हैं सर। कहेगा मंत्री को सौंपना है इसी का ये सर, मंत्री को कई बार सौंपे हो गए, सौंपे लेकिन ध्यान नहीं दिए सर, चार से पांच बार और दे चुके हैं लेकिन अभी तक हम लोगों को उनके द्वारा कोई रिस्पांस मिला नहीं है। अब फिर एक प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं और ये आखिरी प्रयास है, इसके बाद अगर वो हमारी नहीं सुनते हैं तो हम रोड पे उतरेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम रोड पे उतर के हंगामा करेंगे अपने हक के लिए। अभी तो मंत्री नेता सब आने वाले हैं चुनाव में, चुनाव में आएंगे तब तक तो फिर चुनाव हो जाएगा, वो फिर कहेंगे आप लोग लगा रहे हैं नारे जो है गुहार वुहार, अभी तो वो आपके पास आएंगे सर? आएंगे तो सर रहे हैं सीएम साहब तो जा भी रहे हैं भेंट मुलाकात करने, कभी नहीं हुई भेंट मुलाकात में जाते हैं तो मुश्किल से 30 सेकंड मुलाकात होती है, जब बोलते हैं काका 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 कर देते भर्ती ला, हाँ हाँ करूँ करूँ बस इतना बोल ये हो गया खत्म। और मेन समस्या यही है भैया कि चुनाव आने वाला है तो चुनाव पहली कम से कम भर्ती निकाल देतीस तो थोड़ बहुत जन के कम से कम 1,33,000 पोस्ट खाली है, कम से कम 10-15,000 जन के भविष्य बन जातीस, चुनाव के बाद जिन करना है तेन तो करवे कर ही, और चुनाव के बाद का पता कब निकाली वैकेंसी, अभी कम से कम चुनाव समय है डर के मारे कि चुनाव है आगू में कि निकाल भी सकत है, और घोषणा कब निकली वैकेंसी, खत्म हो गए करेंसी, खत्म हो गए करेंसी का 5 साल लगते यहाँ तो छत्तीसगढ़ में भर्ती आते तब 5 साल हो जाते वो भर्ती कंप्लीट नहीं हुआ, तब पता नहीं ये भर्ती कब निकाली और आने वाला भर्ती 5 साल में कंप्लीट करी कि 10 साल में कंप्लीट करी था। 19 की भर्ती खत्म हुई है सर, लेकिन अभी तो अभी जो अपन 15 अगस्त जो नहीं उसको तो अपन लोग वो खत्म कर रहे हैं और नया भर्ती के लिए अभी जो आदेश निकाले हैं 15 अगस्त 2021 को जो घोषणा की उस पर तो कोई जू नहीं रेंग रहा है, सिर्फ उसी पे देख रहे हैं हम लोग कि एक आस बंधी हुई है कि चलो इस सत्र अगर हो जाता है बहुत सारे भाई लोगों का पढ़ाई जी इसी हिसाब से। एक मिनट रुके, मेन बात, अच्छा मेन बात हम यही कहना चाहता हमारे कका से कि हमारा गुहार ला सुन ले वो कका है और जितना अपन वादा करे है अपन डीएड बीएड बीपीएड संघ वाला भाई मन से वो वादा पूरा करे और अधिक से अधिक पोस्ट ले आए, जल्दी से जल्दी पोस्ट ले आए, बस वही कहना चाहता हूँ। और ये दाढ़ी कब बनी? दाढ़ी जब काका पोस्ट निकाली ना तभी बनी दाढ़ी। संकल्प है? संकल्प पर तो नहीं लो काका मैं। भैया चलिए मिला, बात यही है कि जिन भर्ती के वादा करे है ना वो वादा पूरा करे ताकि थोड़ा बहुत कम से कम हमल मन के 6,00,000-6,50,000 अभ्यर्थी हैं जिन मन सड़क में हैं और 50,000 जन के तो बेचारा मन के खत्म ही हो जाए सिरे जही ओकर मन के उम्र है तो कम से कम समय रहा था हमारे कक्का। सरकार अभी एक जो है अभियान चलाने जा रही है हाथ से हाथ जोड़ो, हो सकता है आप लोग के पास आए हाथ जोड़ने। हाथ तो हम ही मतलब जोड़े पड़ते भैया, कहूँ हाथ जोड़ लीस तो जोड़ लीस, बाकी पांच चलिए हम लोग ठीक ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस आस और विश्वास के साथ जिस धैर्य के साथ जो है ये डीएड बीएड बीपीएड डिग्रीधारी जो लोग हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं सालों साल से उनका ये इंतज़ार ख़त्म हो चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले जो भर्तियाँ रुकी हुई है वो भर्तियाँ वापस हो जाए, आरक्षण का कोई पेज फंसा हुआ है तो उसे जिस तरह से पीएससी को लेकर के मसला सुलझाया जा रहा है उसी तरह से इनका भी जो है कोई हल निकाला जाए। और इन्हें कहाँ गया वो भाई साहब जो है पीछे हैं, ये पढ़ा लिखा जो युवक है इसे खेत में काम करने का अवसर मिलता रहे लेकिन इस उम्मीद के साथ नहीं कि नौकरी नहीं है इसलिए वो खेत जा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि मैं खेत भी जाता रहूं लेकिन स्कूल में पढ़ाने का मौका भी मिले। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।